हेलो एवरीवन, सो होप यू गाइस आर डूइंग वेल. ओके, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो अभी थोड़ा सा उनको ऐसा माइंड में क्यूरियोसिटी रहता है कि सर, अगर मैं गेट की तैयारी करता हूँ तो क्या ये एक्चुअली में वर्थ है गेट की प्रिपरेशन करना. ओके, क्या तो गाइस, आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में ऐसा था कि लास्ट 2-3 ईयर्स में कोविड के काफ़ी ज़्यादा सर्क्यूमस्टेंसेस थे. ओके, कोविड ने काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम किया और इंडिया में भी प्रॉब्लम किया था. ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि गाइज, पीएसयू में जो रिक्वायरमेंट आ रही थी, जो ट्रेंड चल रहा था पहले का, कि 2017-18 से पहले या 19 से पहले अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे रिक्वायरमेंट आते थे पीएसयू में. ऐसा नहीं है कि आप उसको कम मान सकते हो. ओके, इवन बच्चा जो 500 रैंक के अंदर आ रहा है किसी भी ब्रांच में, तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है. ठीक है, तो उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी. आईआईटी मास्टर्स में भी ऐसा हुआ कि क्योंकि क्लासेज हो गई सारी ऑनलाइन मोड में. ओके, तो प्लेसमेंट कंपनियों ने भी इतना विजिट नहीं किया, क्योंकि जो कंपनी होती है गाइज, अगर आप देखोगे उस पर कुछ ना कुछ तो लोड हुआ होगा कोविड की वजह से, क्योंकि मान लो प्रोडक्शन ठप हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपकी ठप हो गई. ओके, तो उस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ज़्यादा वैकेंसीज निकाली नहीं. ओके, स्टेट कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकलती है पीसीएस वाली इंजीनियरिंग की, वो वैकेंसीज भी ज़्यादा निकली नहीं. ओके, क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम कंडक्ट होते तो, अगर मान लो एग्जाम का नोटिफिकेशन आता तो एग्जाम कंडक्ट होते, तो उस वजह से क्या होता कि मान लो कोविड के केसेज इतने आ रहे थे, तो जैसे उन्होंने भी उसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन था हेल्थ को लेके हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट है. हम किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो भी हमारा इंडिया, जो इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडिया का सिस्टम है, उसके हिसाब से चीज़ें इस तरीके से खराब हो गई थी. ओके, बट फाइनली आपको मैं बताऊंगा गाइस कि अगर आप देखना शुरू करोगे, इस अभी भी कोविड के थोड़े बहुत केसेस चल रहे हैं, बट इस बार पीएसयू में काफी जो वैकेंसीज है, जैसे डीवाईसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और इन सब की वैकेंसीज आई है. ओके, अगर आप सारे टोटल सम करके देखोगे तो बहुत सारे पीएसयू आ रहे हैं. ओके, जैसे आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये तो नॉर्मली आते ही थे, बट इस बार और भी आपको गेल, कोल इंडिया, इन्होंने भी गेट से लिया, तो बहुत सारी वैकेंसीज इस बार आपको दिखी है. ओके, और इवन जो मास्टर्स में बच्चे थे उनका प्लेसमेंट भी वापस अच्छा हुआ है. ओके, ऐसा नहीं है कि बीच के 2-3 ईयर्स में हो गया था, तो कई बच्चों को लगता था कि सर, अगर मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या ये वर्थ है. ओके, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है. इवन स्टेट जो वैकेंसीज होती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, पीएसयूज की वैकेंसीज होती है, तो वो सारी इस बार डेफिनेटली पिछले 2-3 ईयर के कंपेरिजन में ज़्यादा है. ओके, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि आपको ऐसा नहीं सोचना है. मार्केट में बहुत सारे रूमर्स चलते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि गेट की प्रिपरेशन करना वर्थ नहीं है. गेट की प्रिपरेशन, गेट एक ऐसा एग्जाम है इंजीनियरिंग के बाद में जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको देता है. अगर मान लो आप तैयारी करते हो गेट की, तो आपके पास बार्क से लेके, बार्क में इस बार 500-600 तक बच्चों को कॉल किया है. ओके, तो 600 रैंक तक के बच्चों को भी कॉल आया है, और वो वहाँ पे अगर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली उनके चांस होंगे सिलेक्ट होने के. तो बार्क के चाहे इंटरव्यू हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज है, पीएसयू की वैकेंसीज है. तो अगर आप गेट की तैयारी करते हो गाइस, तो मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास आज भी गेट में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. जितनी भी वैकेंसीज आप देखोगे उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको गेट में ही दिखेगी. ओके, तो गेट, क्योंकि आप एक मान लो किसी नॉमिनल एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वो एग्जाम एक टाइम के लिए आता है और फिर हो सकता है नेक्स्ट 2-3 ईयर में ना आए, बट गेट आपका हर साल होता है. इवन आप मास्टर्स में भी जाते हो, 2 ईयर अगर आप स्टाइपेंड से अपना गुजारा करके मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपके पास एक बेटर जॉब अवेलेबल होगी. ओके, बट आपको करना पड़ेगा हार्डवर्क. हार्डवर्क से आपको भागना नहीं है, मार्केट के रूमर से आपको जितना दूर हो सके उतना दूर रहना है. ओके, तो अब गाइज, काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा है कि सर ठीक है, मैं गेट की तैयारी करने का सोचता हूँ, बट सर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल इशू है, तो मैं तैयारी करूँ कैसे? तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे डिपेंडेंट अगर रहते हैं, आपको लगता है कि यूट्यूब से मैं तैयारी कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है. यूट्यूब पे आप कुछ टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, कुछ सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो, बट एक फुल फ्लेज जो तैयारी होती है, जो एक डेडिकेशन के साथ होती है, वो आपको नहीं मिलेगी. क्योंकि यूट्यूब पे मान लो जो भी टीचर है वो फ्री में कंटेंट देते हैं, तो वो तभी वर्क कर पाते हैं यूट्यूब की ऑडियंस के लिए जब उनके पास टाइम की अवेलेबिलिटी हो. ओके, तो वो क्या करते हैं कि जितने भी टीचर्स आपको यूट्यूब पे क्लासेज लेंगे, तो वो ट्राई करते हैं अपना, वो हर एक टीचर बेस्ट देता है. मैं किसी भी टीचर के बारे में नहीं बोलूंगा, हर एक टीचर बेस्ट पॉसिबल हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट देखो वो जो टीचर है उसकी भी लाइफ होती है, तो उसको भी अपने भी एक्सपेंडिचर देखने होते हैं, उसको अपनी जॉब्स भी मैनेज करनी होती है, तो डेफिनेटली वो जब फ्री होते हैं तभी प्रोवाइड करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो कंटेंट है वो रेगुलर नहीं चलता है, कई बार कंसिस्टेंसी रेगुलर नहीं होती है. ओके, उस वजह से यूट्यूब पे आपका जो फुल प्रिपरेशन मोड है वो नहीं होता है. तो बच्चे पूछेंगे सर मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए, या फिर मैं कहाँ से तैयारी करूँ? ओके,
तो देखो, अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो डेफिनेटली ऑफलाइन में आपके एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप देखोगे किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, उसके बाद आपको उस लोकेशन पे जाके रहना होगा। उस लोकेशन से आप अपने घर से भी दूर रहेंगे, तो उस लोकेशन पे आपके आपको फूड के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपका रूम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों को आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। बाय द चांस अगर 7-8 मंथ में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको 1 साल पूरा वापस तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये मेहनत भी आपकी वेस्ट हो जाएगी। कई बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है तो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में निकल जाता है, ओके, या सेकंड थर्ड में नहीं निकलता, फोर्थ तक भी निकलता है। ओके, देखिए कोई गेट देने की कोई लेटनेस नहीं है। अगर आप देखोगे अमित कुमार जी, जिनकी 2013 में 7th रैंक थी, उन्होंने 2018 में दोबारा दिया और उनकी फर्स्ट रैंक आई और उन्होंने ONGC ज्वाइन किया था, तो गेट कोई एज नहीं है। ये तो आपके माइंड सेट होता है कि सर मुझे, मैं गेट दूँ या ना दूँ दोबारा, या फिर मेरे इतने ड्रॉप हो गए, इतना वो हो गया, तो आप दे सकते हो। ओके, आपका रैंक आना चाहिए, आप अपने आप से बस एक्सक्यूज बना रहे हो। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में डेफिनेटली ऑफलाइन में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंडिचर होता है। तो ऑनलाइन में गाइज बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, मैं ऑनलाइन के लिए अगर बात करूँ तो, बट आपको अड्डा 247 क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मैं उसके लिए आपको पॉइंट रखता हूँ। ओके, अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली सर ये हेल्पफुल है तो आप अड्डा 247 प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। अड्डा 247 प्लेटफॉर्म में अगर आप देखेंगे आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट है। देखो अड्डा 247 प्लेटफॉर्म में एक चीज़ ये है कि जिस तरीके से मैं आपको अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, एक डिजिटल बोर्ड है, तो क्लासेज आपकी इसी मैनर में चलती है। जो गेट ESE की क्लासेस अगर आप अड्डा 247 की ऐप पर जाके देखोगे तो इसी मैनर में आपकी क्लासेस चलती है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन पर आपका क्लास चलेगा, ठीक है। उसके बाद गाइज सेकंड इसमें सबसे अच्छा फीचर क्या है जो कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा, क्लास के बीच में ही आप लोग क्या कर सकते हो, मान लो आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो और ऑडियो कॉल से आप कनेक्ट हो जाते हो। मतलब जैसे ही जो टीचर है वो ऑन कर देता है वीडियो और ऑडियो का फीचर, तो आप लोग लाइव क्लास में चलते हुए डाउट पूछ सकते हो। आपका इंटरफेरेंस टीचर को दिखता है, आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो, सर इस वाले क्वेश्चन में मेरे को ये वाला डाउट नहीं, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। जनरली बच्चों को क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, और उसमें वो डाउट जो पूछना चाह रहे हैं वो डाउट आप उनके पास, टीचर के पास जाता नहीं है। तो सबसे अच्छा फीचर आपको ये अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप देखोगे दोस्तों, जो भी लेक्चर आपका होता है उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होती है। तो ऐसा अगर मान लो आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब करते हो, आपको लाइव अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल है। आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, आपके पास वर्कबुक्स अवेलेबल होगी, आपके पास PIQ अवेलेबल होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी। इसके अलावा अच्छे लेवल के जो अभी न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो भी आपको करवाए जाते हैं प्रैक्टिस क्लास के टाइम पे। ओके, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। बहुत सारे फीचर है, जूम सेशन होते हैं, डेडिकेटेड एक मेंटर ग्रुप होता है जिसमें आपको रेगुलरली मेंटर किया जाता है कि आपको कब क्या करना है, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, उन टारगेट के बेस पर आप स्टडी कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती है। ये टोटल अगर हम देखें तो 1150 आवर्स का कोर्स है, 1150 आवर्स का कोर्स है, जिसमें मान लो जो भी सब्जेक्ट है, जैसे IC इंजन है वो 45 आवर्स में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 60-70 आवर्स में कंप्लीट होता है। डेली अगर आप देखोगे आपकी 6-7 आवर्स क्लास चलती है, और मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट में चलती है डेफिनेटली, तो आपका 6-7 आवर्स क्लास होगी। ओके, इसमें अगर आप देखोगे गाइज तो जनरली इसका प्राइस जो है वो 12,000 से लेके आपको 13,000 तक ऐप में दिखाता है। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसका नॉमिनल जो कोर्स होते हैं हर एक दिन जो इसका प्राइस होता है वो आपका 4x9 प्राइस होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कोई जैसे स्पेशल फेस्टिवल हो या फिर कुछ भी हो तो उसमें ऑफर्स आते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप इसको लेते हो तो 7499 में आपको पड़ रहा है। जैसे मान लो आज अगर मैं बात करूं तो आज नाइट तक ईद का ऑफर है। ओके, तो ईद के ऑफर में अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको 7499 में ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। कोड आपको क्या लगाना है गाइस, Y498 कोड आपको लगाना होगा। ओके, Y498 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ओके, Y498 आप लगाएंगे, उसके बाद मुझे मैसेज करेंगे, डेफिनेटली आई विल मेंटर यू, आई विल गिव यू द डायरेक्शन कि किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए। ओके, और हम लोग कंटिन्यूसली एफर्ट लगाएंगे, आप लोगों के साथ मिलके हम पूरा एफर्ट लगाएंगे। हमने जितनी नॉमिनल, जैसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 1150 आवर्स है, 1 आवर्स की क्लास के लिए आपको ओनली 1 आवर्स की क्लास के लिए ओनली आप ₹6 पे कर रहे हैं। इतने मिनिमम प्राइस में आपको टोटल सिलेबस मिल रहा है। ओके, एक घंटे की क्लास के लिए ₹6, मतलब बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको पूरी की पूरी चीजें मिल रही है।
तो दैट्स वाई मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि आप लोग डेफिनेटली अड्डा 247 प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सस्ती चीजें मिलेगी और आपको पूरा का पूरा डायरेक्शन मिलेगा। टीचर बहुत अच्छे हैं। अभी आपका 10th में से, कई बच्चे सोच होंगे सर नया बैच कब से स्टार्ट होगा, तो 10th में के आसपास आपका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, थर्मोडाइनमिक्स से स्टार्ट होगा। ओके, और डेफिनेटली आप लाइव अटेंड कर सकते हो, काफी बेनिफिशियल है। उसके बाद इसमें मैं आपको और भी सब्जेक्ट कवर करवाने वाले हैं। ओके, थर्मोडाइनमिक्स पहला सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा, बेसिक से ही, बेसिक से लेकर एडवांस। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो भी डेफिनेटली अच्छे से इसमें कर सकता है। तो गाइज आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेरे हिसाब से इसको मिस नहीं करना चाहिए। जो ईद का ऑफर है इसको आप ले सकते हो 7499 में, कोड आपको Y498 लगाना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कि सर मुझे कुछ पूछना है आपसे, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगा। अगर आपको इस कोर्सेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डिमोटिवेट नहीं होना है, र्यूमर्स पे बिलीव नहीं करना है गाइज। आपका एम है, आपको केवल एक सीट चाहिए। अगर एक सीट भी आती है किसी वैकेंसी में, तो आपके ऊपर इतना बिलीव आपको होना चाहिए कि ये सीट मैं ही लूंगा। मतलब अगर आप देखते हो कि 25 सीट आ रही है और आप सोचते हो 25 में यार 25 तो सीट है, तो आपको तो एक सीट चाहिए ना। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मुझे 25 सीट ही आई है। आपको एक सीट से मतलब है, मतलब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो कि मैं 25 में आ ही नहीं सकता हूँ। जब आप अपने आपको वीक ही समझते हो, तो तब आप कोई एग्जाम भी नहीं निकाल सकते हो, तब आपको तैयारी भी छोड़ देना चाहिए। किसी की तैयारी मत करो, घर बैठ जाओ, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं आपको कहना चाहूंगा गाइस, दैट इज अ आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट, र्यूमर्स पे बिलीव मत करो। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है कोविड के बाद, और वैसे भी इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन पे तो हर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है। तो 2023-24 में आप बहुत ही ज्यादा वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्रिपरेशन तो आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि जब वैकेंसी आएगी तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, फिर आप निकाल ही नहीं पाओगे एग्जाम को। तो डेफिनेटली गाइज आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, फुल एफर्ट डालनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के लिए साथ तैयारी करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करो, अपने आप को वीक मत समझो। इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। ओके, बाकी गाइज आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।